नीचे की एक तरफ में कंकड़ वाला जो सोइल है वो ऐड कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल वन सेम फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों सामने जो फाइकस का प्लांट है, सामने जो फाइकस का ट्री है, आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे एक दूसरे प्लांट दूसरे पॉट के अंदर। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद पॉट करेंगे। पॉट के साइडों में इस तरह से स्पून से आप जगह बना ले पहले, ताकि जो जो ट्री है वो इजीली निकल आए। इस तरह से दोस्तों पॉलिश ने हमने इसलिए लगाई था कि यहाँ पे रूट्स ग्रो करे, फाइबर रूट्स। दोस्तों इसकी जो मोटी रूट्स है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। दोस्तों जो मोटी रूट्स है उनको हमने रिमूव कर दिया है, और जब ये रूट्स है इनको हम ग्रो करेंगे। चलिए पहले इसके ऊपर जो ठिकरी है वो लगा देते हैं, और इसके बाद सोइल नीचे की एक तरफ मैं कंकर वाला जो सोइल है वो ऐड कर रहा हूँ। सोइल दोस्तों वो ये जो मैंने आपको बताया था, गोबरी खाद और पत्ती वाली मिट्टी वो है। अब इसके अंदर जो प्लांट है उसको हम लगा देंगे। बाकी सोइल और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर आज। दोस्तों प्लांट हमने पॉट कर दिया है, इसके ऊपर भी हम पत्थर रखेंगे ताकि प्लांट स्टेबल रहे जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। उससे पहले हम इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं। मैं इसको शेड एरिया में रखूंगा जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।